नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस वर्ल्ड टेस्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। हम नए साल में मिल रहे हैं और इसी के साथ आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और जैसे कि आपको पता है कि हम जो है वीकली करंट अफेयर सीरीज के तहत सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर पढ़ते हैं और मंडे का दिन होता है साइंस के ऊपर परिचर्चा करने का, यानी कि आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। टोटल 5 टॉपिक्स हम डिस्कशन में जो है लेकर आए हैं और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है डार्क पैटर्न ऑफ द इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट पे यूजर्स के एक्सपीरियंस को एक डिफिकल्ट एक्सपीरियंस बना देना अपने कुछ हितों की प्राप्ति के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं डार्क पैटर्न ऑफ इंटरनेट से जो है लिंक किया जा सकता है। एग्जांपल्स के साथ व्हाट इज दिस, ये हम थोड़ा सा समझेंगे, प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन जो है आ सकता है। सेकेंड टॉपिक है पैट्रियट मिसाइल, रशिया और यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उसी के कॉन्टेक्स्ट में यूएस की तरफ से यूक्रेन को जो हेल्प की जा रही है, ये जो पैट्रियट मिसाइल थी न्यूज में थी, तो इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन आपको बताओ और किस कंट्री से ये बिलोंग करती है, इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड देखिए डिजीज के बारे में है, GNB1 इंसेफलोपैथी डिजीज। तो ये जो इंसेफलोपैथी डिजीज है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये बहुत रेयर केस में मिलने वाली एक बीमारी है जो एक सर्टेन जीन के म्यूटेशन की वजह से होती है। तो इस डिजीज के बारे में तो पढ़ेंगे, इसके अलावा रेयर डिजीज क्या होते हैं, हर कंट्री का रेयर डिजीज को लेके क्या डेफिनेशन है, क्या इंडिया के पास उसको लेके कोई पॉलिसी है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि ये देखिए जो बीमारियां जनरली प्रिवेलेंट नहीं होती है, जो ज्यादा R&D उन पे नहीं होता है, उनके ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होते हैं और बहुत कम लोगों को जो अफेक्ट करती है, उनको कई बार क्लासिफाई कर दिया जाता है एज ए रेयर डिजीज। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। देन इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन मैथनॉल। अभी हाल ही में एक जो है समझौता साइन हुआ है ग्रीन मैथनॉल के प्रोडक्शन को लेकर, तो वो समझौता देखेंगे किसके और किसके बीच में साइन हुआ है। साथ ही मैथनॉल के जो टाइप्स होते हैं ये देखेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या होता है ये देखेंगे। देन इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट है ICARUS यानी कि इकारस। तो ये क्या है, किन कंट्रीज के द्वारा हो रहा है, व्हाट इज दिस इज अबाउट, ये थोड़ा सा जो है समझेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। लेकिन इससे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोच रहा है, आप हमारे सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर सुपर टीचर्स के द्वारा आपकी UPSC की तैयारी कराई जाती है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक है। आप अपने UPSC की पूरी प्रेपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो GS की फाउंडेशन कोर्स हो, NCERT हो, CSET हो, मॉक टेस्ट हो, मीन्स आंसर राइटिंग हो या फिर ऑप्शनल की तैयारी हो। और ये पूरा का पूरा पैकेज मिलता है आपको एक सिंगल फीस में विद 1 ईयर ऑफ वैलिडिटी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग्स का फी बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन टेस्ट बुक ने एक इनिशिएटिव लिया और हमने एक अफोर्डेबल जो रेंज के साथ आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए हैं। इसमें भी अगर आप फैकल्टी कोड यूज करते हैं, जैसे मेरा नाम है प्राची चौधरी और अगर आप प्राची सी ये फैकल्टी कोड यूज करते हैं तो आपको जो है डिस्काउंट और ज्यादा मिलता है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और आप प्लान कर रहे हैं UPSC 2024 की प्रिपरेशन के लिए या फिर UPSC 2023 का एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज डार्क पैटर्न्स ऑफ द इंटरनेट। तो यहाँ पे बेसिकली पिक्चर पे ध्यान दीजिए, देयर इज अ पर्सन जिसको कठपुतली की तरह किसी ने पकड़ा हुआ है, ही इज वर्किंग ऑन द लैपटॉप। इस पिक्चर से कंप्यूटर इस पिक्चर से थोड़ा सा ना चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग इंटरनेट पर जो भी करते हैं, लाइक बहुत सारे वेब पेजेस को विजिट करते हैं, सब्सक्रिप्शंस खरीदते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बैंकिंग करते हैं, तो वो हमारी चॉइस है। अगर उन चॉइसेस को कोई लिमिटेड कर दे, कुछ ऐसे ट्रिक्स का जो है छुपे तरीके से इस्तेमाल करे कि हम वही कर रहे हैं जो वो करवाना चाहता है, तो ये डार्क पैटर्न के द्वारा हो रहा है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए, कस्टमर्स के डाटा तक पहुंचने के लिए कुछ सर्टेन ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है कोई आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो फोर्सफुली आपको कहा जाता है कि आपको सब्सक्राइब करना होगा, बिना सब्सक्रिप्शन के आप वो आर्टिकल नहीं पढ़ पाएंगे और फिर आपको अपनी जो है ईमेल आईडी वगैरह देनी पड़ती है, करेक्ट, एंड देन आप उस आर्टिकल को एक्सेस कर पाते हो। इट इज़ अ डार्क पैटर्न ऑफ द इंटरनेट। ये थोड़ा सॉफ्ट है लेकिन इसके बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हार्ड वर्जन्स भी होते हैं। तो व्हाट इज डार्क पैटर्न ऑफ द इंटरनेट, हमें समझ में आया, ये डिसेप्टिव ट्रिक्स होती हैं जो यूजर के इंटरनेट एक्सपीरियंस को
आसान बनाने से रोकती है, डिफिकल्ट करती है, ताकि हमारी चॉइसेस लिमिटेड हो जाए। करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंटरनेट बेस्ड फॉर्म्स क्या कर रही है, यूजर्स को ट्रिक कर रही है ताकि वो कुछ सर्टेन कंडीशंस पर जो है एग्री करे या कुछ सर्टेन लिंक्स को जो है क्लिक करे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो वो पीडीएफ का जो एक्चुअल डाउनलोड लिंक है वो बहुत छोटे फॉन्ट में कहीं लिखा होगा, बट कुछ हार्मफुल ऐप्स, कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ चीज़ें जो वो पेज चाहता है कि आप डाउनलोड करें वो बहुत बड़े बड़े फॉन्ट में इस तरह से पॉपअप करते रहते हैं, कई बार उन पर क्लिक हो जाता है, कई बार डाउनलोड भी हो जाता है कुछ इस तरह का हार्मफुल चीजें। तो ये डार्क पैटर्न ऑफ द इंटरनेट है। देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स, आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि साइन अप प्लस सेव, अगर आप साइन अप करोगे तो आपको जो है क्या है 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो या तो आप साइन अप कीजिए या यहाँ क्या लिखा है ना आई विल पे इन फुल प्राइस। ठीक है, साइकोलॉजिकली प्ले किया गया, या तो 30% का डिस्काउंट ले लो, और अगर नहीं ले रहे हो तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि नो आई डू नॉट वॉन्ट टू साइन अप, क्या लिखा है नो आई वॉन्ट टू पे फुल प्राइस। तो पूरा पैसा खर्च करना है तो ठीक है इसको क्लिक कर लो, जबकि साइकोलॉजिकली ट्रिक किया गया है। इसी तरह अगर आप यहाँ देखेंगे कोई आर्टिकल आप पढ़ने का ट्राई कर रहे थे, कुकीज को लेके कॉन्सेंट यहाँ पे आपसे पूछा गया है, अब आप देखेंगे अलाउ ऑल, यही आपको ऑप्शन दिया गया है, आपकी चॉइस डिक्लाइन करने की या फिर कुछ सर्टेन कुकीज को चुनने की वो चॉइस ही यहाँ पे खत्म हो गया। अब मान लीजिए आपके लिए जो बैकग्राउंड का आर्टिकल था पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अलाउ ऑल पे क्लिक करना ही पड़ेगा, एंड देन आपके डाटा का भगवान ही मालिक होता है। करेक्ट है, इंटरनेट पे डाटा की कोई सेफ्टी नहीं है। सेम इस तरीके से आप देखिए जब आप किसी ऑनलाइन जो है वेबसाइट पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये इतने लोगों ने खरीद लिया है, एक घंटे में इतने आइटम बिक गए हैं। अभी फिलहाल देखिए जो बेसिकली फॉर एग्जांपल मान लीजिए मीना थी लखनऊ से, उन्होंने चिकनकारी का कुर्ता खरीद लिया और ये कम से कम 8वां ऑर्डर था और 500 रुपये उन्होंने बचाए। ये पॉपअप होते रहेगा, साइकोलॉजिकली आप पे बहुत फर्क डालता है कि किसी ने खरीदा है, किसी के पैसे बचे हैं, मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, लोग खरीद रहे हैं, 800 बिक गए, या फिर वो ऐसे दिखाते हैं कि लिमिटेड एडिशन है या बस दो ही बचे हैं जल्दी ले लीजिए। ये सब जो है डार्क पैटर्न ऑफ द इंटरनेट है, अगर जेन्युइनली आपको जो है वो नहीं दिखा रहे हैं तो। इसके अलावा देखिए डार्क पैटर्न ऑफ द इंटरनेट क्या है कि बहुत ज्यादा डार्क और भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया है कि अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस लेना है तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जिसकी फीस है। अब आप फीस नहीं देना चाहते तो आपको बोला जाएगा 1 month फ्री है, उसके बाद अगर आपको पसंद आया तो आप पे कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो रहने दीजिएगा। एंड देन जब आप साइन अप करते हैं तो आपकी क्रेडिट डिटेल्स जो भी सारी है, बैंक डिटेल्स वो ले लेते हैं। अब 1 month खत्म होने के बाद ना तो आपसे पूछा जाएगा, ना आपके पास कोई मैसेज आएगा, और अगर आपने खुद से कैंसिल नहीं किया है तो आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। करेक्ट है, समटाइम्स यूजर से बिना पूछे उसका जो सब्सक्रिप्शन है उसको चेंज भी कर दिया जाता है और एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे हो जाते हैं। तो ये क्या है, ट्रिक किया गया यूजर को। करेक्ट है, उसके कॉन्सेंट के बिना तो ये खत्म नहीं होना चाहिए था, राइट। तो ये कुछ आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल्स है डार्क पैटर्न के। आप देखिए ये क्या है, ये अनएथिकल है। करेक्ट, यूजर्स की चॉइस को लिमिट कर रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं उसको किसी चीज पर क्लिक करने के लिए, है ना। और ये इंटरफेस डिजाइन जो है यहाँ पर बहुत अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कभी मजबूरी में किसी चीज को सब्सक्राइब करना पड़ गया था, नाउ दे हैव योर ईमेल आईडी। करेक्ट है, अब आपके ईमेल में उनके मेल्स आते रहेंगे, अब आपको लग रहा है कि मैं इसको अनसब्सक्राइब कर देता हूँ, तो अनसब्सक्राइब करने का जब आप बटन दबाते हैं, मतलब क्लिक करते हैं, तो इतना मुश्किल तरीका होगा, साइन अप करो, ईमेल डालो, पासवर्ड क्या था, क्यों कर रहे हो अनसब्सक्राइब, रीजन बताओ, अदर कर रहे हो तो टाइप करके बताओ, मुश्किल बना दिया अनसब्सक्राइब करना। तो कई बार यूजर को लगता है इतने सारे स्टेप्स कौन फॉलो करेगा, चलो छोड़ देते हैं, राइट। तो क्या किया यहाँ पे, इंटरफेस डिजाइन इस तरीके से किया कि यूजर के लिए चीजें डिफिकल्ट हो गई। करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपीरियंस हमारा हार्डर हो जाता है, इवन एक्सप्लोइट भी किया जाता है। और ये बेसिकली क्या है, कंपनी के लिए बेनिफिट होते हैं, किसी प्लेटफॉर्म के लिए बेनिफिट होता है, तभी तो किया जा रहा है उसकी तरफ से। वो आपका डाटा चुराना चाहता है, वो अपने ज्यादा सब्सक्राइबर्स दिखाना चाहते हैं, वो आपका पैसा लेना चाहते हैं। करेक्ट, तो दे हैव लाइक देयर ऑन स्टेक्स। फिर यहाँ पे देखिए इन डार्क पैटर्न्स को यूज करके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूजर का जो राइट है उसको ले लेते हैं। किस चीज का राइट,
फुल इन्फॉर्मेशन का, फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्विस. किसी सर्विस के बारे में जानकारी तो आपने ढका छुपा के दी, करेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल कितने का प्राइस मिल रहा है, सिर्फ 500 रुपीज में आपको बहुत अच्छी डील मिल रही है. जैसे ही आप इसको एड टू कार्ट करते हैं, ठीक है, एड टू कार्ट करते हैं कि ठीक है अच्छा खरीद ही लेते हैं, तो 500 रुपीज तो पे करना है, 50 रुपए सर्विस चार्ज के, 40 रुपए क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा चल रहा है, 70 रुपए कुछ टैक्स लग गया, 10 रुपए डिलीवरी बॉय को देना है, 5 रुपए कुछ और देना है. कुल मिला के वो प्रोडक्ट आपका महंगा हो गया. नाउ वो आपको 500 दिखाया गया था सिर्फ इसलिए कि आप अपने माइंड मेकअप कर लें कि मुझे खरीदना है, राइट. और जब एक बार आपका दिल आ गया किसी सुंदर अनारकली कुर्ते को या फिर किसी जैकेट को खरीदने के लिए, तो फिर अब आपने कार्ट में डाला और कार्ट में डालते ही उस पर 36 तरह के जो है और एडिशन चार्जेस लगा दिए गए, वो महंगा हो गया. बट अब अपना माइंड आप बना चुके हैं तो मोस्टली अब आप उसको 500 के बजाय 700 में भी खरीद लेंगे. तो ये बेसिकली क्या है, ये यूजर का एक जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है किसी सर्विस के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, हिडन चार्जेस के बारे में, उसको भी छीनता है, करेक्ट है. तो बेसिकली इसको ध्यान रखिएगा. फिर अभी देखिए जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं और बिग टेक फॉर्म्स है, एप्पल हो, अमेजोन हो, स्काइपी, ठीक है, फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब डार्क और डिसेप्टिव पैटर्न्स को यूज करते हैं और ताकि जो यूजर इंटरनेट को बेसिकली यूज कर रहा है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके, करेक्ट. यहाँ पे आप देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे एक क्या है, ग्रोथ हैकिंग थ्रू स्पैमिंग. यहाँ पे बेसिकली कोई आपको स्पैमर बना देता है, आपको पता भी नहीं होता है, आपने कुछ सर्टेन क्लिक्स किए, कुछ चीजें किए, यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है खराब हो गई. फिर आप देखेंगे तो प्राइसिंग जो है बहुत अलग तरीके से रखी जाती है कि प्राइस को दूसरे प्राइस से कंपेयर करना ही मुश्किल हो गया, पता ही नहीं चल रहा कि आप महंगा बेच रहे हो सस्ता बेच रहे हो, ठीक है. फिर फोर्स्ड कंटिन्यूटी है ना, फोर्स कंटिन्यूटी, फ्री ट्रायल था लेकिन पैसा कट गया, अब आपको अगले साल जो है फिर से उसको देखना पड़ेगा. तो देयर आर सर्टेन एक्चुअली चीजें हैं जो यहाँ पर यूज होती है. मिस इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चेक बॉक्स. अच्छा एक चीज और देखिए, आजकल एक नया चीज चली है, मान लीजिए आपने कुछ चीज ऑर्डर की है, उसका प्राइस मान लीजिए 500 था, कार्ट में आपको 550 दिखाई दे रहा है, वो जो 50 रुपी है ना वो किसी चीज का ऐसे प्राइस होगा, वो ऑलरेडी चेक बॉक्स होगा, ये आपको अनचेक करना पड़ता है, करेक्ट है. तो कई बार ये सारी चीजें जो है यहाँ पे यूज होती है. तो ये थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा टॉपिक था, आपको भी एक सिटीजन के रूप में अवेयर होना चाहिए डिस्पाइट कि करंट अफेयर का टॉपिक बनता है. तो मुझे उम्मीद है ये क्लियर आपको समझ में आएगा, और अगर आप ये अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए. आइए सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पेट्रियट मिसाइल, ठीक है. तो ये किसकी है, ये यूएस की है, करेक्ट है. देखिए यूएस ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि बेसिकली इसका जो मोस्ट एडवांस ये ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसको दे रहे हैं, वो यूक्रेन को दे रहे हैं, ठीक है. अब इसको पैट्रियट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका पूरा नाम है फेस्ड एरे ट्रैकिंग रडार टू इंटरसेप्ट ऑन टारगेट, करेक्ट है. इनिशियली इसको जब डेवलप किया गया था तो इसको हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए डेवलप किया गया था. रडार की रेंज इसकी क्या है, करीब 150 किलोमीटर है. ये काम कैसे करता है आप देखोगे तो बेसिकली इसकी जो रडार्स होती है, मान लीजिए इसका रडार सिस्टम है, ये हमेशा देखता रहता है कि कोई एनिमी का प्लेन यहाँ पे आ तो नहीं रहा है. अगर मान लीजिए कोई प्लेन डिटेक्ट हुआ तो जो कमांड कंट्रोल होता है वहां पर ये इन्फॉर्मेशन भेज देता है, ये जो कंट्रोल है ये यहाँ से इंटरसेप्ट मिसाइल के पास इन्फॉर्मेशन भेजता है, यहाँ से मिसाइल जो है दुश्मन एनिमी के मिसाइल के या जो भी जो आ रहा है उसको काउंटर करने के लिए भेजती जाती है. इस तरीके से पूरा जो है मैकेनिज्म काम करता है, करेक्ट है. चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं और देखते हैं कि कितनी इसकी ताकत है, क्या कुछ ये कर सकती है. आइए देखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड. राइट, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बताया, ये डिफेंड कर सकती है बैलिस्टिक मिसाइल्स, ओके, डिफेंड कर सकती है बैलिस्टिक मिसाइल्स. लेट मी सिलेक्ट द पेन, या इट्स डन. मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, जेट्स, ठीक है. और इसका ऑपरेशनल अगर देखा जाए तो जो नेटो कंट्रीज है उसकी आसपास की पूरी ज्योग्राफी कवर होती है, लेकिन ये जो लो फ्लाइंग स्मॉल ड्रोन्स होते हैं उनके खिलाफ प्रोटेक्शन नहीं देती. क्यों, क्योंकि देखो जो रडार है वो बेसिकली ऐसे स्कैन करती है, करेक्ट है. अगर कोई छोटा ड्रोन जो कि लो फ्लाइंग है वो रडार की रेंज से नीचे आ जाता है
तो वो यहाँ पे कवर नहीं होता है, इट्स अ ड्रॉबैक। अब आप देखेंगे लेंथ इसकी 520 सेंटीमीटर, डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, रेंज है करीब 70 किलोमीटर की, वॉरहेड हाईली एक्सप्लोसिव है, ठीक है, एल्टीट्यूड का मैक्सिमम 24 किलोमीटर तक जाता है, ट्रैक करती है वाया मिसाइल के। कुछ और देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग रेंज है, ऑल एल्टीट्यूड है, ऑल वेदर क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, टू काउंटर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एडवांस एयरक्राफ्ट। किसने बनाया है, यूएस ने बनाया है और कुछ उसके जो सहयोगी है उनके द्वारा इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो रैथियन टेक्नोलॉजीज क्रॉप्स इन्होंने बनाया, कोस्ट आई थी 1 बिलियन, पहली बार यूज हुई 1991 के गल्फ वॉर में। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अभी ऑपरेटेड कितनी कंट्रीज में, लगभग 18 में है, करीब 150 मिसाइल को इंटरसेप्ट कर चुकी है और आगे भी ऑब्वियसली बात है उसका काम ही है करने का, तो करेगी ही, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, यहाँ तक क्लियर है चीजें। चलिए थर्ड टॉपिक एक डिजीज के बारे में, GNB1 इंसेफलोपैथी। ये देखिए दरअसल कुछ रिसर्चर्स हैं कहाँ के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास के, इसके अलावा तेल अविव यूनिवर्सिटी एंड देन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वो एक रेयर जेनेटिक ब्रेन डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। एक तो रेयर है, जेनेटिक है और ब्रेन के अंदर कोई डिजीज है जिसका नाम है GNB1 इंसेफलोपैथी। और ट्राई कर रहे इसके लिए कोई जो है ड्रग जो है इफेक्टिवली ट्रीट करने के लिए डेवलप कर ली जाए। अब देखिए जो ब्रेन का डिजीज है ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये किसी भी इंसान को जब वो फर्टस स्टेज में होता है तभी जो है ग्रसित कर लेता है। देखिए जेनेटिकली अगर कोई बीमारी है तो जीन्स के थ्रू वो जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, तो कोई भी इंडिविजुअल जो फोएटस स्टेज में ही है, ठीक है, तब ही जो है उसको अफेक्ट ये करता है। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक जीन है GNB1, ये जो जीन है इसका एक सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें एक म्यूटेशन हो जाता है, एक उत्परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, कुछ चेंज हो जाता है, तो इस उत्परिवर्तन की वजह से वो एक अलग तरह का प्रोटीन बना देता है GBETA1, और ये जो अलग तरह का प्रोटीन है यही जो है बीमारी पैदा करता है। देखो हमारे जीन्स का काम क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनाने वाला पूरा सिस्टम है उसको इस बात के लिए डायरेक्ट करना कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए ये पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए। अगर वो प्रोटीन बनाने वाला सिग्नल गलत चला गया तो गलत प्रोटीन बनेगा, गलत प्रोटीन बनेगा तो उससे गलत चीजें होंगी, क्योंकि फाइनली हम प्रोटीन से ही बने हुए हैं, करेक्ट है। अर्ली सिम्टम्स की बात करें तो डिलेड फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज और फ्रिक्वेंट एपिलेप्टिकल सीजर, सीजर्स कुछ इस तरीके से मान के चलिए इलेक्ट्रिक शॉक्स माइंड में लगते हैं, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। देखिए पूरी दुनिया में इस बीमारी के 100 से भी ज्यादा केस जो है रिकॉर्ड किए गए, इतनी रेयर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि एक्चुअल नंबर इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज की और मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, करेक्ट है। तो 100 नंबर एक डाटा है लेकिन कहा जाता है कि बेसिकली ये उससे कहीं ज्यादा है। तो यहीं पे जब वर्ड यूज हुआ है रेयर, तो हमें रेयर डिजीज के बारे में भी थोड़ा सा क्या है पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेयर डिजीज क्या होते हैं। देखिए ये वो डिजीज होते हैं जिनकी अलग अलग डेफिनेशन है अलग अलग कंट्रीज में। जैसे कुछ कंट्री कहती है जो डिजीज 10,000 लोगों पर सिर्फ एक में मिलती हो दैट इज अ रेयर डिजीज। कुछ कंट्री कहती है कि नहीं 10,000 की पॉपुलेशन पे 6 तक भी अगर मिल रही है तो भी रेयर डिजीज है। ब्रॉडली रेयर डिजीज वो होती है एक ऐसी हेल्थ कंडीशन जिसकी क्या है लो प्रेवलेंस है, बहुत कम नंबर के जो बहुत कम लोगों में वो मिलती है एज कंपेयर टू कुछ बीमारियां जो ज्यादातर लोगों में मिलती है, डायबिटीज, ठीक है, कैंसर, ये सब में ही मिलते हैं, बट कोई एक ऐसी बीमारी जो कभी सुनने में आई कि किसी को हुई है, करेक्ट है, जनरली ये बोला जाता है। अभी तक करीब 6,000 से 8,000 डिजीज को हमने रेयर क्लासिफाई किया है, लेकिन इसमें से केवल 5% के लिए थेरेपीज अवेलेबल है। तो ये जो रेयर डिजीज है क्योंकि इतने कम लोगों पर बेसिकली लोगों को होती है, तो मार्केट में ना इसको लेकर रिसर्च हुई ना इसको लेकर ज्यादा दवाई और थेरेपी बनी, क्यों, कस्टमर्स इस मेडिकल इंडस्ट्री के लिए कस्टमर ही नहीं है, पेशेंट इज अ कस्टमर फॉर द मेडिकल इंडस्ट्री, राइट। जो चीज ज्यादा होती है जिसकी ज्यादा जरूरत है उसमें पैसा लगता है क्योंकि फिर उससे प्रॉफिट मिलता है, जो चीज 10,000 में एक को हुई है ना तो
तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 80% ये जो डिजीज होती है ना, ये जेनेटिक ओरिजिन इनका होता है, ठीक है, जेनेटिकली ट्रांसफर ये होती है। एग्जाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी और हेमोफीलिया, करेक्ट है। बात करें कि जो 90% रेयर डिजीज है, इनके लिए कोई अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है और 10 में से केवल एक ही पेशेंट को जो है स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट मिल पाता है। तो एक्चुअली में रेयर डिजीज पे काम करने की जरूरत है। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगर ये समझ में आया तो वो टॉपिक भी आ जाएगा। आइए देखते हैं ग्रीन मेथनॉल क्यों न्यूज में था। आप देखेंगे जो NTPC है उन्होंने एक MOU साइन किया ताकि ग्रीन मेथनॉल का जो है प्रोडक्शन किया जा सके। NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, इन्होंने एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया किसके साथ, टेक्नी मोंट इटली के साथ, ताकि ग्रीन मेथनॉल का जो है प्रोडक्शन किया जा सके। देखिये मेथनॉल का एक तो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें तो यूज है ही, बहुत अच्छा यूज है। मेथनॉल को एज अ फ्यूल आप यूज कर सकते हो, करेक्ट है। तो ये बेसिकली गैसोलीन के साथ मिक्स कर ये यूज हो सकता है। इसको एक फ्लेक्स जो है बेसिकली फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं। फ्लेक्स फ्यूल मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल फ्यूल, तो गैसोलीन के साथ मिक्सअप करके आप इसको जो है यूज कर सकते हो। तो देखो अगर आप ग्रीन मेथनॉल बना पा रहे हो तो उसमें आपका जो कार्बन एमिशन है, जो फुटप्रिंट है, वो कम होता है, ठीक है। तो एक तो एनवायरमेंट के लिए अच्छा हो जाता है, दूसरा आपका जो क्रूड ऑयल पर आयात की निर्भरता है वो कम होती है, तीसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन होगा, करेक्ट है। ये कुछ फायदे हैं अगर हम ग्रीन मेथनॉल पर काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो NTPC के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है उसको करना है कैप्चर एंड देन उसको कन्वर्ट करना है ग्रीन फ्यूल में। और ये जो NTPC है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रिन्यूएबल एनर्जी से मान लीजिए हमने कुछ बनाया, ठीक है, उस क्या बनाया, ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिसिटी बनाई, उससे हमने वाटर का क्या इलेक्ट्रोलाइसिस, इससे बनी हाइड्रोजन, हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा, फिर मेथनॉल सिंथेसिस किया, इससे ई मेथनॉल बना जिससे ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक तो हमें बेस के लिए कार्बन चाहिए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैप्चर करनी है। इधर के लिए या तो हाइड्रोजन से आप बना सकते हैं या फिर जो आपकी नेचुरल गैस होती है, ठीक है, इससे हम बना सकते हैं या फिर कोल से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे, लेकिन कोल से बनाएंगे तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वाला पर्पस पूरा नहीं हो रहा। नेचुरल गैस अगर होती तो भाई हम बाहर से मंगाते क्यों, नेचुरल गैस नहीं है। तो ये एक तरीका ऐसा है कि हाइड्रोजन से बनाया जा सकता है। हाइड्रोजन बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत सारा पानी चाहिए जो कि है। अब उस पानी को क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है, उससे हाइड्रोजन को अलग करना है। और ये भी अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू करते तो मजेदारी बात हो गई, करेक्ट है। इसको कार्बन के साथ मिलाइए देन जो है आपका ई मेथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया आपका, ई मेथनॉल इससे बन गया। इस तरीके से जो है प्रोसेस काम करती है। अलग अलग टाइप होते हैं मेथनॉल के, वो मैं आपको बता दूंगी। यहां तक क्लियर हो गया क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए लो कार्बन फ्यूल है पहली बात तो, दूसरा क्या है, बायोमास का गैसिफिकेशन और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी और जो कार्बन हमने कैप्चर की है इसको यूज करके बना सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, करेक्ट है। एप्लीकेशन क्या है, एक तो ये बेस मटेरियल है केमिकल इंडस्ट्री में, फिर रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने में काम आ सकता है। कुछ रिसर्च ये भी बताती है कि हाइड्रोजन फ्यूल को भी स्टोर करने में हेल्प कर सकता है। और फिर इसको ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के रूप में तो यूज कर ही सकते हैं। कैसे, गैसोलीन के साथ हम इसको ब्लेंड कर लेंगे काफी लो क्वांटिटी में और फिर जो एग्जिस्टिंग रोड व्हीकल्स है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। जो इंटरनल कंबक्शन इंजन है उसमें हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं, अगर हम थोड़ी मात्रा में यूज कर रहे हैं, अगर ज्यादा मात्रा में यूज करना है तो कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाई प्रोपोर्शन में इसको यूज कर सकते हैं ब्लेंड करके, कहाँ पर, फ्लेक्स फ्यूल में, जो मैंने आपको बताया ना जो फ्लेक्सिबल फ्यूल वाले व्हीकल्स होते हैं जैसे M85 फ्लेक्स फ्यूल, वहां पर हाईली प्रोपोर्शनल ब्लेंड इसका यूज कर सकते हैं। तो इंडिया का जो एक एनर्जी ट्रांजिशन होना है जीवाश्म ईंधन से गैर जीवाश्म ईंधन की तरफ हम जो एक ट्रांजिशन कर रहे हैं उसमें ये हमें क्या है, हेल्प करेगा।
अब देखो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए कि कितने तरह की मेथनॉल होती है। तो देखिए एक तो ब्राउन मेथनॉल होती है जिसको आप कोल से बनाते हो, करेक्ट है। फिर एक ग्रे होती है जिसको आप नेचुरल गैस से बनाते हो, करेक्ट है। देन एक आपकी ब्लू मेथनॉल होती है जिसमें आप क्या करते हैं, जो आपने कैप्चर किया है कार्बन डाइऑक्साइड उसका यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद योर वाटर, ठीक है। तो इसका लोअर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन यहाँ पर होता है। एक होता है आपका ग्रीन मेथनॉल जिसको बायो मेथनॉल कहते हैं या ई मेथनॉल। एक तो देखो ग्रीन के अंदर दो होते हैं, इसको भी याद रखना, ग्रीन के अंदर एक दो होते हैं, एक बायो और एक ई मेथनॉल। अगर आप बायोमास वगैरह के गैसिफिकेशन से यूज करके बना रहे हो तो बायो एथेनॉल हो गया, अगर हाइड्रोजन से बना रहे हो तो आपका ई एथेनॉल हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, बायो मेथेनॉल प्रोड्यूस होता है बायोमास से और ई मेथेनॉल प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन से और कैप्चर की हुई कार्बन डाइऑक्साइड से और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से। ये सबसे बेस्ट है, करेक्ट है, समझ में आ गया, ये हमने देख ही लिया है, दिस इज ई मेथेनॉल वाला प्रोसेस, डन है। चलिए तो ये इतना समझ में आ गया है, तो अब लास्ट का टॉपिक तो आसान है, उसको भी देख लेते हैं। आइए यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट इकरस। तो बेसिकली अभी क्या हुआ है, जो यूएस की सरकार है उन्होंने क्या कहा है कि आप ये जो सोलर जियो इंजीनियरिंग के अलग अलग आइडियाज दे रहे हो इन पर अभी रिसर्च करने की जरूरत है। अब ये सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या है, जब ये समझ में आएगा तो बाकी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, करेक्ट है। पृथ्वी के टेम्परेचर का बढ़ने का रीजन क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका एमिशन हो रहा है, करेक्ट है। अब एक बार बताओ ये क्या होता है, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट के रूप में जो है आ जाती है, ठीक है। अब जो सूरज की किरणें यहाँ पे आ रही है वो आ तो जाती है लेकिन जब वो वापस जाती है तो इसको जाने नहीं देती, कैप्चर कर लेती है और इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। अब एक सॉल्यूशन वैज्ञानिकों ने क्या निकाला, एक तो सॉल्यूशन क्या था, पौधे ज्यादा लगाओ, वनीकरण करो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यूज करो, हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आओ, कार्बन एमिशन करो ही मत, करेक्ट है, प्लास्टिक वगैरह बैन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये जो सूरज की रोशनी आ रही है पृथ्वी पे इसको ही आने मत दो। अब भैया तो आएगी तो क्या तरीका है, जैसे ही ये पृथ्वी पे आए इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दो, करेक्ट है। तो ये रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, उन्हीं को बेसिकली यहाँ पर सोलर जियो इंजीनियरिंग कहा गया। कौन कौन से तरीके आइए देख लेते हैं, कंट्रोवर्शियल तरीके क्यों है समझ में आ जाएगा। एक तो देखिए क्या हो सकता है कि भाई जो आपका एल्बिडो है उसको बढ़ा दो, एल्बिडो जितना ज्यादा होता है रिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा होती है। देखो एल्बिडो क्या, जो चीज जितना सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट बैक कर सकती है उसका उतना हाई एल्बिडो होता है। अब स्नो व्हाइट कलर का होता है, करेक्ट है, उस पर जैसे सूर्य की किरणें आती है उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, इसका एल्बिडो हाई होता है। जो चीज इतनी डार्क होती है उसका एल्बिडो इतना कम होता है, इसलिए जैसे जहां पर बेसिकली ब्लैक कार्बन जम गई है तो जब सूर्य की रोशनी वहां पे आती है तो उसको अब्सॉर्ब करता है, ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है। तो एक तो क्या है भैया, सरफेस का एल्बिडो बढ़ा दो। फिर देखिए क्लाउड्स की भी अपनी एक रिफ्लेक्टिविटी होती है, क्लाउड्स भी जो है लाइट कलर के होते हैं तो ये भी चीजों को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो क्लाउड्स में भी कुछ इंजीनियरिंग वगैरह करके इनकी रिफ्लेक्टिविटी को बढ़ाओ। फिर क्या है, कुछ स्पेस बेस्ड मेथड यूज करो कि शीशे लगा देंगे स्पेस में, उन शीशों पे एनर्जी लग के ऊपर चली जाएगी, है ना, कुछ तो इस तरह की चीजें। फिर क्या कर सकते हो कि जो बेसिकली ये सेरस क्लाउड्स होते हैं इनका हाई अल्टीट्यूड जो है उसको डिक्रीज कर सकते हो, दैट इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कभी बाद में देखेंगे। अब एक तरीका क्या हो सकता है कि बेसिकली जो स्ट्रेटोस्फोरिक एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स मतलब छोटे छोटे कण होते हैं ये बेसिकली, इनको क्या है अमाउंट इनका बढ़ा दो। अब ये जो कण होते हैं इन पर सूर्य की किरणें आएंगे और टकराकर वापस चली जाएंगे, ठीक है, ये बेसिकली एक आइडिया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया कि हमें क्या करना है, जो रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं ऐसी चीजें जो किरणों को रिफ्लेक्ट बैक कर सकती हैं, ऐसे पार्टिकल्स को कहाँ पर जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पर पूरा का पूरा फैला देना है, शूट कर देना है। उससे क्या होगा, जो सूरज की रे होंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो पृथ्वी का तापमान जो है कम हो जाएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे पर्सनली यहाँ पे लगती है जो हमने रूट कोज पे काम नहीं किया। रूट कोज क्या था, हम ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है क्योंकि हम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं। रूट कोज ये था, हम यहाँ पे इलाज क्या कर रहे हैं, सूरज की किरणों को आने से ही रोक रहे हैं,
ठीक है, फिर वो भी कितने इफेक्टिव है नहीं है वो भी एक रिसर्च की बात है, खैर जो भी है। तो देखो सोलर जियो इंजीनियरिंग होती क्या है, इसमें बेसिकली सब्सटेंसेस को स्प्रे कर दिया जाता है एटमोसफेयर में, है ना, कौन सा रिफ्लेक्टिव एरोसोल्स का, जो सनलाइट को बाउंस बैक कर देते हैं स्पेस में, ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ने से ये रोकता है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर लोकली और रीजनली माइट कंटिन्यू टू इंक्रीज ओवर द फॉलोइंग ऑफ फ्यू इयर्स, न्यू रिसर्च शोज, ठीक है। अब नई रिसर्च ने ये बताया है कि शायद आने वाले टाइम में लोकली और रीजनली टेम्परेचर जो है बढ़ सकता है, इसीलिए यूएस की सरकार की तरफ से क्या कहा गया, इन सारे कंट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजीज पर थोड़ा और सोचने की जरूरत है। वाइडर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं सोलर जियो इंजीनियरिंग के, अगर जो हमने ढंग से इनको नहीं समझा तो, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कुछ रिस्की चीजें हो जाए, तो इन पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, क्योंकि देख के लगता है कि दीज आर सम काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन होता है खत्म, मुझे उम्मीद है आपको चीजें पसंद आई होंगी, ठीक है। तो आपको अगर अच्छी लगी है तो ये पहले तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जैसे डार्क पैटर्न ऑफ द इंटरनेट पर ये क्वेश्चन है, मैं साइड हो जाती हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है ये, पैट्रियट मिसाइल किस कंट्री से बिलोंग करती है, वेरी इजी क्वेश्चन, अगर वीडियो सुनी भी है तब भी कर लेंगे। तो यहाँ तक तो आपका डिस्कशन खत्म हुआ, क्वेश्चंस हो गए, आंसर दे दीजिएगा। अब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और कराइएगा, ठीक है। नया साल आपके लिए बेहद खुशियां लेकर आए, आपको आपका लक्ष्य हासिल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा और बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।